माशाल्लाह, चलें और आपसे नंबर लेते हैं इंशाल्लाह, अगर कर सके तो अगले साल ईद से पहले इसकी वीडियो करेंगे। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बछड़ा भाई ने लिया, अल्लाह ताला इनके इसकी ज़िंदगी करे और इनको तौफीक दे के इसको पालें और पाल कर इसकी आ रहा हूँ इसकी कुर्बानी करें। बहुत शुक्रिया भाई जान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। किधर शुरू करना है? इधरों ऐन ही शुरू करना है। चलो फिर ऐन ही शुरू करिए। आइयो, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो है जी, छोटे छोटे जो बच्चे ये लेकर आते हैं, ऑल दो बहुत ख़िलाफ़ हूँ मैं इस चीज़ के, सीधी जो बात है कि ये छोटे बच्चे जो हैं इस तरह से नहीं माँ से लैदा करने चाहिए, लेकिन ये फार्मी बच्चे होते हैं, फार्म पे जो नर होते हैं उनको निकाल दिया जाता है। और हमारे यहाँ तो चलो ठीक है, एटलीस्ट उनको मारा नहीं जाता बल्कि बेच दिया जाता है, और आगे वो बिक जाते हैं और आगे वो चले भी जाते हैं और आगे वो पल के बड़े भी हो जाते हैं। लेकिन बाहर के मुल्कों में ऐसा नहीं होता, बल्कि उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है नर को ख़ास तौर पे। मादी जो होती है वो एक, उसे क्या कहते हैं आप लोग, एक सेकंड ठहरे आशिक साहब, वो मादी को क्या कहते हैं, कमेटी? हाँ, कमेटी होती है। तो मादी को तो नहीं, कमेटी को तो नहीं आप तोड़ेंगे ना। तो ये चीज़ है कि नर जो है उससे मतलब नर बेसिकली करता ये है कि नर जो है वो एक अच्छा सा बाहर से मंगवा लिया जाता है और उससे सिमन ले लेके ब्रीडिंग की जाती है, और उसमें से कोई अच्छा बच्चा निकलता है तो वो फार्म पे रख लिया जाता है, और जो बाकी होते हैं उल्लू पुल्लू उनको बेच दिया जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं जी, कितने हैं आज बच्चे, कितने हैं ये टोटल? 17 बच्चे हैं जी। और तेरा नाम की है? उमेर। उमेर कहता है जी कि जी पंजाबी गल करया करो, ए तुसी की उर्दू च लगे ना, सानू समझ कुछ नहीं आती। तो मैं क्या इनू जरा अज सुना दिए कि सानू पंजाबी भी आती है, असं भी पंजाबी है तो खेड़ पंजाबी असं भी बोल सकते हैं, लेकिन बोलते नहीं हाँ। तो शाह जी है की है जी, नर है, सारे ही नर ने, नर ही होने ने। तो किन्ने किन्ने महीने के? महीने के है कि पूरे 10-15 दिन देने, इनू चुको 10-15 दिन दे गए ना? सही सही, कोई गलत गल नहीं दसनी। वेखन आए सारे जड़े ने ना वो आपे सियाने ने, बहुते ही सियाने ने बल्कि। नहीं जी, आप लोगों ने नीचे कमेंट्स लाजमी करने हैं कि पंजाबी कैसी लगी आप लोगों को मेरी। लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो शाह जी, इसका की मांग रहे हो? हैं, तो फाइनल कितने का हो जाएगा? हैं, 8,000। उंगली इसको दोगे तो इधर बेहतर रहेगा, वरना ये 8,000 पर फाइनल कह रहे हैं जी इस बच्चे का। और चाचा जी देने के लिए भी आए हैं। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जी कैसे रेट चल रहे हैं मंडी में? मंडी में रेट क्या हो जाने? रेट जी मालिका मंदा ही है, कोई रेट तेज नहीं है। रेट तेज नहीं? तुसी व्यापार कर रहे हो या मतलब खरीदन आए हो? खरीदन आए हैं। खरीदन आए हो? की खरीदन? जाके बेचते हैं। अच्छा, खरीद के जाके बेचते हो? किथे? अपने पिंडा जी। किथे रहंदे हो? जनजाते जी। जनजाते? हाँ जी। सही हो गया, चले अड्डा प्लाट जनजाते है नाल ही है लाहौर दे, बाहर निकली है तो जनजाते आ जाता है। तो शाह जी ए वाला दसो, ए माशाल्लाह इनू खोलो हाँ जरा, ए तगड़ा बच्चा है। की हो गया शाह जी, वेख लो हूं थोड़े को तो रस्सी नहीं खुल रही। ये माशाल्लाह बड़ा लेंथ में भी अच्छा बच्चा, और वैसे भी स्ट्रेंथ वाइज अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर बच्चे, काफ़ी बेहतर है, स्ट्रॉन्ग भी है। और आप ये चीज़ देखें कि भरी भी है, लेग जो है ना वो भरी भी है, बाकी पेट खाली है इनके सारों को, किसी को दूध नहीं पिलाया हुआ इन्होंने। बहुत ज़ालिम लोग हैं, ज़ालिम जुल्म जुल्म करते हो जुल्म। ये देख लें जी, आपको ऐसे ही नहीं कह रहा, ये देखें और ये देखें, ये स्ट्रॉन्ग बच्चा है, आपको ऊपर से पता लग रहा होगा आप देख के। आगे हो जा भाई, आगे हो। तो शाह जी ये था की मांग रहे हो? 12,000 रुपया। फिर फाइनल की हो जाएगा ये 10,000 रुपया, 2,000 का फर्क है, वही गल है। ठीक है, तो शाह जी तुम किन्ने का लेंदे हो, तो अगे किन्ने का बिक जाता है? सही हो गया, इसे तरह
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ ਮੰਦਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੇ ਘਾਟਾ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਾਟਾ ਫੇਰ ਨਫਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਟੀ ਫੇਰ ਖੱਟੀ। ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਚੱਟੀ ਫੇਰ ਖੱਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਆਪਕੋ ਲਗੇਗੀ ਫਿਰ ਆਪਕੋ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਖੱਟੇ ਮੇ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਡੇਰੀ ਜੋ ਟੱਕਰੀ 27 ਵਛੜੇ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ 27 ਵਛੜੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਚੇ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਸਾਥ ਕੋਈ ਯੇ ਵਾਲਾ ਕਾਲਾ ਦਾਦਾ ਕਾਲਾ ਉਧਰ ਵੀ ਖੜਾ, ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਧਰ ਖੜਾ ਹੈ? ਉਧਰ ਵੀ ਚਲਤੇ ਹੈਂ। ਪਹਿਲੇ ਇਸਕਾ ਬਤਾ। 11,000 ਰੁਪਏ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਫ੍ਰੀਜ਼ਨ ਬਛੜੇ ਹੈ ਯੇ, ਔਰ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੁੱਠੇ ਕਾ ਸਾਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿੱਥੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੇਲਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਖੜੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਨਾਲ 18 ਨਾਲ ਪੁੱਠੇ ਕਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਆਲ ਟੁਗੇਦਰ ਆਲ ਦਾ ਫਲੌਕ ਫਲੌਕ ਕਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਾਨ ਮੇਂ ਸੌਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਨੇ 9,000 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੰਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਯੇ ਇਨਕਾ ਪੁੱਠੇ ਕਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਖਤੇ ਹੈ, ਪੁੱਠੇ ਕਾ ਹਿਸਾਬ ਚਲਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਹਾਂ ਸੇ ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਪੁੱਛਤੇ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਮੇਂ ਕਿ ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਕਿਆ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ ਯੇ ਬਤਾਏ ਕਿ ਇਸਮੇਂ ਸੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਕੌਨ ਸੀ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਇਸਕੋ ਜ਼ਰਾ ਕੁਝ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜ਼ਰਾ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਹਾਂ ਸਾਥ ਕਿਆ ਬਣਾ? ਪੁੱਠਾ ਕਿੰਨਾ ਮੰਗਿਆ ਤੂੰ? 9,000 ਰੁਪਏ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਲਾਇਆ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਚਾਚਾ ਨੇ। ਚਲੇ ਜੀ ਯੇ ਬਲੀ ਜੀ ਨੀਲੀ ਰਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਰਵੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਉਹ ਨੀਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਨੀਲੀ ਔਰ ਰਾਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਕੱਟੀਆਂ ਹੈ ਯੇ ਤੋ ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਟੀਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਤੀ ਰਹਤੀ ਹੈ ਜਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਹੈ? ਔਰ ਕੱਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਰੇਟ ਹੈ? 8,500 ਰੁਪਏ। ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸਕਾ? ਫਾਈਨਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 8,000 ਰੁਪਏ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਏਗੇ। ਔਰ ਯੇ ਜੈਸੇ ਯੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਯੇ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਰੇ ਇਸਕਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਬੋਡੀ ਵਾਈਜ਼ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਹੈ, ਗੁੱਥੀ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸੇ ਚੌੜਾਈ ਮੇਂ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੰਬਾਈ ਮੇਂ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹ ਜੀ ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਇਸਕੀ? ਉਮਰ ਇਸਕੀ ਹੋ ਗਈ ਬਸ 10 ਦਿਨ, 8 ਦਿਨ, 10 ਦਿਨ, 8-10 ਦਿਨ। ਔਰ ਯੇ ਕਿਤਨੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਯੇ ਜੀ ਲਾਸਟ 8,000। 8,000 ਰੁਪਏ, 8,000 ਰੁਪਏ, ਔਰ ਯੇ ਵੀ 8,000 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਰਾਵੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸਕੀ ਲੰਬਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸਕਾ ਸਰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਤੋ ਯੇ ਵਾਲੀ ਕਿਤਨੇ ਕੀ ਹੈ? 10,000। ਯੇ 10,000 ਕੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਯੇ ਮਤਲਬ ਆਮ ਹੀ ਹੈ? ਯੇ ਨਰ ਹੈ, ਨਰ ਕਿਤਨੇ ਕਾ? 6,000 ਰੁਪਏ ਕਾ। ਆਸ਼ਿਕ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਰੇਟ ਕਮ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਜਾਂ ਬੜ ਗਏ ਹੈ, ਕਿਆ ਸੀਨ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਜੋ ਅੱਛਾ ਮਾਲ ਹੈ ਉਸਕਾ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਜੋ ਅੱਛਾ ਮਾਲ ਹੈ ਉਸਕਾ ਰੇਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਵੈਸੇ ਮਿਡਲ ਰੇਂਜ ਥਾ ਵੋ ਵਹੀ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਰੇਂਜ ਮੇਂ ਵਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਚਲੇ ਆਗੇ ਤੀਨ ਜੋ ਬਾਕੀ ਯੇ ਭਾਈ ਦਿਖਾ ਰਹਾ ਹਮਾਰਾ ਉਸਕੋ ਦੇਖਤੇ ਹੈਂ, ਚਲੋ ਲੈਟਸ ਗੋ। ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਜੀ, ਫੋਮ ਬਰਾਊਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਔਰ ਸਾਹ ਜੀ ਨਰ ਹੈ? ਨਰ ਹੈ। ਔਰ ਯੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਰ ਹੈ? ਔਰ ਯੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਰ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਯੇ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਤੋ ਇਸਕਾ ਕਿਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਔਰ ਇਸਕਾ ਕਿਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਔਰ ਇਸਕਾ ਕਿਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? 13,000, 12,000, 15,000। ਮੈਂ ਉਸਕੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਿ ਦਿਆ ਤਾਂ ਉਸਕਾ ਰੇਟ ਬੜਾ ਦਿਆ ਤੁਮਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਮੈਨੇ ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਬਤਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਮੈਨੇ ਆਇੰਦਾ ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੇ ਦਿਲ ਮੇਂ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਆਪ ਲੋਕ ਆਪ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦੇਤੇ ਹੋ ਤੋ ਰੇਟ ਬੜ ਜਾਤੇ, ਮੈਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੇ ਇਸ ਲਈ ਰੇਟ ਬੜਾ ਦੇਤੇ ਹੈ। ਤੋ 13,000 ਯੇ ਵਾਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਯੇ ਵਾਲਾ ਫੁੱਲ ਬਲੈਕ ਮੇਂ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਕੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਸ ਹੈ, ਬਟ
दिस वन इज लाइक बहुत बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। तो रेट बहरहाल मुझे वाकई में लगा आज कि मेरे कह देने से रेट वाकई बढ़ जाता है। तो आइंदा आइंदा मैं कोशिश करूँगा कि मैं आइंदा रेट जो है वो बिल्कुल ना बढ़ाऊँ और मैं तारीफ़ बिल्कुल भी ना करूँ ताकि रेट ना बढ़े। तो ये थे जी आखिरी तीन, यानी कि जो ये दिखाने के लिए कह रहा था। मुझे खैर ये वाला बहुत खूबसूरत लगा है और वो वाला भी बहुत खूबसूरत लगा, लेकिन उसने रेट बढ़ा दिया उसका। तो देखते हैं उधर जाके कि चाचा जी का सौदा चला है या नहीं चला है। उठेगा ले जी, बाबा कहाँ गया? वेयर इज द बाबा? वो खड़े हैं बाबा जी, हमें दूर से नजर आ गई। ये खड़े हैं बाबा जी, बाबा जी सिगरेट पे सिगरेट फूंक रहे हैं। तो मेरा ख्याल है बाबा जी ने नहीं आना, यहाँ पे करते हैं इनकी वीडियो एंड। ये थोड़ा बड़ा है, ये क्या मांग रहे हैं उसका? 12,000 चलें जी। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बाकी सबसे खूबसूरत बच्चे जो हैं वो वही तीन थे, और होप कि आपको वीडियो में मज़ा आया होगा देखकर। तो लाइक लाजमी करें, कमेंट करें और बताएं आप लोगों को कैसी लगी। और मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मैं बच्चों के फ़रोग के ख़िलाफ़ हूँ और रहूँगा, क्योंकि मैं ख़ुद इस एक पेट लवर हूँ। कोशिश करनी चाहिए फार्म ओनर्स को कि उनको ये ब्रीड रखनी चाहिए, यानी कि जो नर हैं उनको रखने चाहिए, रादर देन को उनको बाहर फेंक देते हैं और या इस तरह से बेच देते हैं। और होता क्या है कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे होते हैं कि जी ये मटन के काम आते हैं। तो मुझे नहीं पता कि जी आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ से जितने भी लेकर जा रहे होते हैं वो कसाई नहीं होते। मैंने कभी देखा नहीं है कि कसाई लोग यहाँ से लेके जा रहे हों। मैंने हमेशा यही देखा है कि यहाँ से आगे रखने वाले ज़िम्मेदारे लेकर जा रहे होते हैं, ज़िम्मेदारों को ये जो है कट्टे कट्टियाँ ये चाहिए होते हैं। और फिर उसके बाद ये जो ऑस्ट्रेलियन नस्ल है, ऑस्ट्रेलियन नस्ल इसलिए भी चाहिए होती है कि इसका जो दूध है वो वाइट कलर का होता है। तो फीमेल्स इसलिए नहीं बिकने के लिए आती, कि फ़ीमेल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बड़ी थोड़ी सी फीमेल्स की वीडियो भी दिखाऊंगा। और लास्ट मैंने वीडियो जो की थी वो भी फीमेल्स की की थी, इसकी मादियों की थी, जो कि थी ऑस्ट्रेलियन फ्रीजन मिक्स बछड़ियों की, तो फर्स्ट टाइम है उसकी। तो वो लाजमी देखिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी। और अल्लाह हाफिज़।